बिलीव मी गाइस, हमने सोचा था 2 रुपया, लेकिन यहाँ पे 1 रुपए में भी दूध मिल रहा है। तो गाइस ऐसा हुआ कि हमारी मैडम का तबीयत खराब हो गई है और हम मार्केट दूध खरीदने के लिए निकले थे, तो पता चला रिसेंटली अपने रौकला में मिल्क ATM भी खुला है, तो इस बहाने मिल्क ATM का रिव्यू भी हो जाएगा और अपनी मैडम के लिए दूध भी खरीद लेंगे। तो देखते हैं कैसे काम करता है ये ATM। चलिए फिर तो गाइस ये रहा वो मिल्क ATM जिसकी हम बात कर रहे थे और कुछ इस तरह से दिख रहा है। नॉर्मल ATM से थोड़ा सा हटके दिख रहा है क्योंकि भाई यहाँ पे दूध मिलता है पैसों की जगह पे, उल्टा आपको पैसे यहाँ डालने पड़ेंगे, राइट? हाँ, और यहाँ की एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे ना 2 रुपए से दूध मिलता है। अरे वाह, 2 रुपए का मतलब 2 रुपए। अगर तेरे को मतलब कैसे लड़की हो ना, फेस में अपना फेस में ना दूध लगाती है, ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए भी दूध मिल जाएगा। 2 रुपए का दूध दीजिए, फेस में लगाना है बोल के लेके जा सकते। अरे वाह क्या बात है। तो यहाँ के जो इंचार्ज है सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र है। ओके राजेंद्र जी, अभी अभी हमें एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये काम करता है। और फिर सबसे पहले ना आप अपना यहाँ का प्रॉपर एड्रेस बताइए। हाँ, 13 सिविल टाउन। तो 3013। ओके तो रेडी, कितना रुपए का निकालेंगे हम? 30 रुपए का लेके जाएंगे। ठीक है 30 रुपए का निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, हमें बता दीजिए। अगर कैश नहीं है तो बंदे को आप कैसे दूध? मेरे पास जैसे कैश नहीं है तो मेरे को दूध नहीं मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? फोन पे भी है। फोन पे? अच्छा, फोन पे में आप पे करके फोन पे पे कर सकते हैं। तो अभी मुझे अभी यहाँ पे 30 रुपए पे करना पड़ेगा फोन पे में। दूसरा हम लोग के पास कार्ड भी है। अच्छा, ये कार्ड दिखिए कैसा है। ये हम लोग का डेमो कार्ड है अपने पास, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर है की पैसा लेके आते हैं, उनके पास चेंज भी नहीं है। जैसे कि आप बता रहे थे कि आप किस तरह मैं दूध लूँ, राइट? तो फोन पे भी नहीं है उनके पास सुविधा, तो मेरे को कैश दे दिए तो मैं अपना कार्ड को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे पैसे दे दिए जी। तो यहाँ पे हम लोग का डेमो कार्ड में हम लोग का कुछ बैलेंस रहता है जिस चीज से हम उनको दूध दे सकते। जैसे कि आप 20 रुपये लेंगे तो अभी कैश में भी मैं डाल सकता हूँ, कैश में भी अभी दिखा सकता हूँ। कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे 2 लीटर लेके गए, राइट? प्रीपेड कार्ड की जैसा ही है काम। जी जी जी। अच्छा, ये कार्ड लेने के लिए कुछ ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा? कोई चार्जेस नहीं। अरे फ्री? हाँ। कोई चार्जेस नहीं है, बस हमें जैसे कि इसमें एक चीज बेनिफिट ये चीज है। जैसे कि अभी बैलेंस 0 दिखा रहा है तो उसमें नाम भी देना पड़ता है इस कार्ड के लिए, मोबाइल नंबर भी देने पड़ते हैं, एड्रेस भी देते हैं। अगर 500, ऐसा नहीं कि 100 रुपये भी रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया 100 रुपये रिचार्ज कर सकते हैं, परंतु अगर 500 रुपीज़ रिचार्ज करते हैं आप तो कंपनी का तरफ से जो फ्योरलो देसी मिल्क उसके तरफ से 10 रुपया आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अगर ये ATM को रिचार्ज कर देते हैं तो हम लोग को फिर बार बार कैश लेके नहीं आना पड़ेगा, डायरेक्ट इसको ऐसे जितना 5 रुपए का दूध चाहिए तो 5 रुपए का दूध निकाल सकते हैं, सही है। 25 का लेना तो ले सकते हैं। अब देख ये मिल्क ATM को जस्टिफाई करता है, ATM कार्ड जैसा ही मिल रहा है, ATM कार्ड जैसा ही मिल रहा है, बढ़िया। अंकल जी जी, अगर कोई बोतल नहीं लाया अपना बोतल खुद लेके आए, राइट? ठीक है। तो 30 रुपए ताकि कोई कस्टमर को परेशानी ना नेटवर्क भी आ जाता है। ओके, तो हमने जो 30 रुपया का निकाला वो था 600 ml, राइट? 600 ml। यहाँ पे क्या दो तरह का दूध मिलता है ना? जी हाँ, अभी फिलहाल अभी हम लोग कम से कम 3 हफ्ते हुआ है, चालू हुआ है, 3 हफ्ता 1 महीना होने को जा रहा है, तो इसलिए अभी हम लोग भैंस का नहीं रहते हैं, बस गाय का। अभी फिलहाल गाय का ही मिल रहा है, राइट? गाय का ही। ओके, आगे जाके भैंस का भी शुरू। जी जी हाँ, आगे जा करके जब कंटिन्यू हो जाएगा तब हम लोग 2 टंकी, हम लोग का 2 सिलेंडर का कैपेसिटी है तो
अंकल ये आपका मेरे एटीएम बहुत अच्छा चलेगा। ये राहुल में पहला है, पहला जो चीज पहला आता है कार्तिक बाबू जी है, उन्हीं का वो एटीएम है। अच्छा, जो कंपनी इन्वॉल्व है वो है कार्तिक एसोसिएट्स। ये इनिशिएटिव के लिए बहुत बड़ा थैंक यू उनको। तो इनके साथ अगर आप दूध लेने आ रहे हो, अगर आपको नीड लगी पनीर की तो ये भी यहाँ उपलब्ध है, आप सबके लिए जानकारी के लिए बता दें। तो ठीक है, फिर आज का कार्यक्रम इतने ही समाप्त करते हैं। अपना एक बहुत अच्छी चीज़ हमने कवर किया आज, मिल्क एटीएम जो कि रोहतक में पहली बार आया है। होप आपको कुछ फ़ायदा होगा इस वीडियो से, और जल्दी आप यहाँ आके अपना पहला दूध का डब्बा यहाँ से भरोगे। मेरे चेहरे में आ जाएगा ना लगाने। अरे बाहर चेहरे में लगाने के लिए मुझे पूरा पैकेट खरीदना पड़ता है, अब अगर 2 रुपए की दूध मिल रही है तो क्या इसमें। वो तो हम दिखाने ही वाले हैं। 2 रुपए डाला है यहाँ पे, हमने सोचा था 2 रुपया, लेकिन यहाँ से 1 रुपए में भी दूध मिल रहा है। 1 रुपए में भी हम लोग को दूध मिल रहा है। Oh God. तो देखो गाइस, 1 रुपए पर 1 रुपए का दूध। और ये मैं अपने फेस में अप्लाई करने वाली हूँ। अरे भाई, तेरा तो चांदी ही चांदी हो गई। सही है, ठीक है। फिर अंकल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब एक्सप्लेन करके बताया। और बहुत ऑल द बेस्ट, ये बहुत अच्छा चलेगा। नहीं, डेफिनेटली चलने वाला है। दूध सबके बहुत जरूरत चीज है ना, सबके डेली रूटीन में ये। कार्तिक सर को भी मेनी थैंक यू, उन्होंने बहुत अच्छे शो। अग्रवाल सर को भी बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बड़ा मुहिम उन्होंने यहाँ छेड़ा है ये मिल्क एटीएम रोहतक में पहली बार ला के। और भी सर सोचे हैं कि और भी रोहतक में बैठाने का, बहुत बढ़िया सर को बोलिएगा, बसंती में कर देंगे। अगर ये सक्सेस हुआ ना ये वाला यहाँ, जो कि डेफिनेटली होने वाला है, तो अग्रवाल जी डेफिनेटली इसको दूसरे पार्ट ऑफ रोहतक में भी लाएंगे, मुझे इतना यकीन है। होप फॉर द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच। अब निकलते हैं, बहुत देरी हो गई है।